हो रहा है, गलत हो रहा है। सारिका जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बता सकती है मुझे सनातन है क्या, जिसका इतना विरोध कर रहा है आपका गठबंधन? बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, सनातन सत्य है, और वो सत्य जो अनंत और शाश्वत चलने वाला सत्य। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि बीजेपी क्या सत्य में विश्वास भी करती है? वो तो असत्य बोलने वाले लोग हैं, वो तो सत्य को मानते ही नहीं। उन्होंने तो हमेशा से ही देश को झूठ बोल करके, असत्य बोल करके, जुमलेबाजी के बल पे उन्होंने लोगों को दिग्भ्रमित करके उन्होंने लोगों से वोट लिए और वो सत्ता में आई। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, जो लोग खुद को सनातन कहते हैं, हिंदुत्व के रास्ते पे चलने वाले कहते हैं, देखिए कहते हैं हमारे साधु और संतों को देव आत्मा माना जाता है, और हम ये भी जानते हैं कि किस तरीके से रावण ने साधु के भेष में आके माता सीता का हरण किया था, और किस तरीके से उन्हें राम जी ने उनका वध किया, भगवान ने उन्हें माफ नहीं किया, तो वो भी हमने देखा। और आज जिस तरीके से कुछ लोग जो है सनातन और हिंदुत्व के नाम पे साधु और संतों की वेशभूषा में देश की जनता को लूट रहे हैं, एक अलग राह चला रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये तो सनातन कहीं से भी नहीं हो सकता। अच्छा सारिका जी, आपने अपनी बात कही, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। इतना शानदार आपके पास ज्ञान है तो आप ये बात चंद्रशेखर यादव को समझा देती जो लगातार सनातन का अपमान कर रही है, ये बात आप जगदानंद सिंह को बता देती। लालू जी खुद गए थे अभी सिद्धिविनायक मंदिर, खुद टीका लगा के आए, और टीका लगाने वाले दुनिया को जो है गुलाम बना रहे हैं। गजब, सारिका जी ज्ञान दीजिए ना, एक फोन लगाइए चंद्रशेखर यादव जी को, बताइए इनको कि रामचरितमानस का ही विरोध मत करिए, बताइए ना सारिका जी, मुझे खुशी होगी। आपने जिन आप लगाएं फोन एक चंद्रशेखर यादव जी को और उनसे पूछें, मैं तो चाहता हूं आप फोन लगाएं और उनको बताइए सनातन है, बताइए चंद्रशेखर यादव जी को, बताइए जगदानंद सिंह जी को, बताएंगे आप? नहीं देखिए दीपक जी, जो लोग सनातन के आड़ में देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर धकेल रहे हैं, सब बात मान ली, मैंने आपको सब बात मान ली, मैं तो कह रहा हूँ सारिका जी इतने अच्छे विचार हैं तो आपको समझाना चाहिए ना ये बात कि सनातन क्या है, क्योंकि उन्हें खुद पता नहीं है सनातन क्या है। जगदानंद सिंह को समझाइए ना, चंद्रशेखर यादव जी को समझाइए, बरगला के वोट लिया था और आज 3-3 किलो के राशन के लंबी लाइनों में खड़ा कर दिए, जिन्होंने सनातन के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे देश के राशन की लाइन बता रही है सारिका जी, उनके मणिपुर में महिलाओं को नंगे घुमाया जा रहा है। अरे दीपक जी, आप मुझे जवाब दीजिए ना, सनातन आप क्या मानते हैं, किसको सनातन मानते हैं आप, किसको आप हिंदुत्व मानते हैं, क्या है सनातन? मैं तो सिर्फ चंद्रशेखर यादव जी और जगदानंद सिंह के बयानों की बात कर रहा हूँ, और ये विवाद भी किसी बीजेपी ने नहीं शुरू किया, ये विवाद उदयनिधि स्टालिन ने शुरू किया, फिर ए राजा कूदे, पोनीमडी कूदे, उनके बाकी नेता कूदे, तो ये विवाद बीजेपी ने नहीं खड़ा किया। आपके सब आरोप में मानता हूं, आप बीजेपी पर आरोप लगा सकती है, झूठे हैं, जुमला पार्टी है, झूठ बोलती है, लालू जी कहते हैं बड़का झूठी पार्टी है, मैं सब मानता हूं आपकी बात, पर मुझे बताइए क्या फोन लगा के ये बात आप जगदानंद सिंह और चंद्रशेखर को बताएंगी कि मान्यवर ये सनातन है, ये सत्य है, यही अंतिम सत्य है? लगाइए ना फोन सारिका जी, हो सकता है चंद्रशेखर जी आपका फोन उठा ले, आप प्रवक्ता है पार्टी की। अरे आपको फोन लगाने की आवश्यकता नहीं है, प्रतिदिन मेरी बात होती है, प्रतिदिन आपने समझाया उनको ये ज्ञान दिया कि सनातन है क्या, मेरी चंद्रशेखर भाई से बात होती है, और मुझे ज्ञान दिया उनको क्या है, ये मैंने बखूबी से सुना है, मैंने देखा है, लेकिन मुझे आप बतला दीजिए ना कि आपको क्या ऐसा बुरा लगा, क्या आपत्तिजनक लगा, क्या हमारा धर्म, हमारी संस्कृति हमें ये सिखाती है जो उन्होंने वर्णन किया? क्या टीका लगा करके, भाई चिन्मया स्वामी भी टीका लगाते हैं, आसाराम बापू भी टीका लगाते हैं, कहाँ है वो लोग? क्या टीका लगा के आप किसी स्त्री का हरण कीजिए, किसी स्त्री की अस्मिता को लूटिए, क्या ये टीका आपको परमिशन देता है? ठीक है, अरे टीका तो पुराने जमाने में लोग महाराजा युद्ध पे जाते थे, उनको विजय, अरे टीका तो लालू जी ने भी लगाया सिद्धिविनायक मंदिर में, उसका बताइए ना सारिका जी, करती है लेकिन आज टीका तो लालू जी ने लगाया, लालू जी क्या करने वाले टीका लगा के, बताइए लालू जी टीका लगा के क्या करने वाले, बताइए। हाँ तो क्या मतलब क्या हुआ, तकलीफ हो गई है क्या? लालू जी ने अगर टीका लगा लिया, अगर सारिका पासवान टीका लगा लेगी, या कोई और राम या रहीम जो है अगर वो घोड़ी पे चढ़ लेगा, तो क्या इस बात से आपका सनातन धर्म, आपका हिंदुत्व खतरे में पड़ जाता है क्या? अभी तो आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कह रही थी, सनातन ही सत्य है, अब आप खतरे में पड़ने की बात कर रही हैं, जो सत्य है वो क्या कभी खतरे में पड़ सकता है सारिका जी? उतार दे रहे हैं, सत्य क्या खतरे में पड़ सकता है, बताइए। आप ही ने कहा सनातन सत्य है, सनातन शाश्वत है, सत्य और शाश्वत कभी खतरे में पड़ सकता है, बताइए? ये बीजेपी वाले क्या खतरे में डाल सकते हैं? बड़ी छोटी सी दुकान है, एक राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान है और एक इनकी दुकान है। सुनिए ना दीपक जी,
दीपक जी सनातन का, राहुल गांधी दुकानदार है, ये पहरेदार है, चौकीदार है। सनातन का मर्त मतलब जो होता है ना, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे एक दूसरे को बांटना नहीं होता है। जात के नाम पे तो आप बांटते हैं, धर्म के नाम पर इकट्ठा करते हैं। आप अपने पॉलिटिकल नैरेटिव उल्टा कर रही हैं। मानते हैं, अरे जात के नाम पर आप बांटते हैं, धर्म के नाम पे इकट्ठा करते हैं। पेशाब कर दीजिए, वो क्या आपका, आपको सनातन धर्म है आपका सिखाता है? आप मुझे सिर्फ जवाब दीजिए ना सारिका जी, इतनी जल्दी पलट गई आप। नाम पे जिसको आप सत्य और शाश्वत बता रही थी, किसी के दलित के माथे पे पेशाब करता है तो क्या वो सनातन धर्म है? क्या अगर दलित महिलाओं को नंगे करके घुमाया जाए तो क्या वो सनातन और हिंदुत्व का आप ये है आइनर है वो? आप मुझे बताइए, आप मुझे, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप सनातनी है, आप क्या कर रहे हैं? आप ही जाइए, घंटा बजाइए ना, आप क्यों स्टूडियो में बैठ के वाच रहे हैं? अगर सनातन का मतलब सिर्फ घंटी बजाना है, कलश उठा के घूमना है, धर्म के नाम पे लोगों को बांटना है, तो आप मुझे बताइए ना, आप कैसे सनातन हैं और किस सनातन को आप मानते हैं? मैं तो सनातन हूं और मैं सनातन धर्म का मतलब त्याग, बलिदान और एक दूसरे से प्यार को मानती हूं। जो मुझे नहीं लगता है कि सनातन और हिंदुत्व के नाम पे जो आज जिस तरीके की गंदी राजनीति लोग कर रहे हैं, इसे मैं कतई सनातन नहीं मानती। सारिका जी, मैं क्या वाच रहा हूं? चलिए मैं आपको एक जवाब देता हूं। सनातन ना कर्म पर आधारित है और मैं अपना कर्म कर रहा हूं। मैं पत्रकार हूँ, अपनी बात कहना, लोगों से सवाल पूछना, उनसे जवाब लेना, ये मेरा धर्म है और मैं उसको कर रहा हूँ। यही मैंने धारण किया हुआ है पत्रकार के तौर पर। 3 किलो राशन की लंबी लाइनों में खड़ा कर दे रहे हैं, 3 किलोमीटर लंबी राशन की लाइन में।